डैश कैम जरूर लगाए करो। 20 माई का डैश कैम है, आप देख सकते हो। प्रो कार्ड लगाना रहता है जो हाई स्पीड वाला होता है। नॉर्थ 70 माई के डैश कैम में आपको क्या क्या मिलता है? यहाँ पे आपको व्यू अच्छा मिल रहा है, उसके बाद ही इसको पेश करना, क्योंकि ये एक ही मिलता है। किसी शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है अगर आपको ऑनलाइन कोई अच्छी डील मिल रही है। कहीं भी ले जाते हैं, ठोक पीट के चले जाते हैं। भैया वो तो सामने वाला आके मार गया, पता चल जाएगा कौन ठोका है। भाई सदमे में आ गया है, लग रहा है क्या प्राइस। भाई गांव आया हुआ हूँ और यहाँ पे मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूँ कि भाई डैश कैम जरूर लगाया करो। अब ये घर की गाड़ियाँ हैं, ये थार भी है, थार में भी डैश कैम मंगाया है। ये 70 माई का डैश कैम है, आप देख सकते हो। और ये विदाउट स्क्रीन वाला है, नॉर्मल डैश कैम है और केवल फ्रंट के लिए है। प्रिंट तो कुछ और रेट रहता है, ज़्यादा रहता है, लेकिन 4200 का ये हमें ऑनलाइन अमेज़ॉन पे पड़ा है। साथ ही यहाँ पे आपको ये एक्सट्रीम प्रो कार्ड लगाना रहता है जो हाई स्पीड वाला होता है। नॉर्मल अगर आप लगाओगे तो उतनी स्पीड नहीं मिलती, जिससे अच्छा नहीं चलता है। स्पीड जिसमें आपको 170 Mbps मिनिमम मिले। तो अब चलते हैं, इसको इंस्टॉल कर देते हैं। और दूसरा एक चीज़ और है कि ये थार अब आने वाली है नोएडा, मैंने बोला है इसको मॉडिफाई करवाना है। 70 माई के डैश कैम में आपको क्या क्या मिलता है? इस तरह का मैनुअल मिलता है, ये पूरा पोर्शन मिलता है, ये स्टिकर निकल के ये इस पर लग जाता है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे लगा लेंगे। बाकी अभी देखते हैं कि हम कहाँ इसको इंस्टॉल करते हैं। इसके अलावा ये आपको वायर मिलती है, ये इसमें USB और जो इसका कनेक्टर होता है सॉकेट 12 वोल्ट का मिलता है, जहाँ पे आप ये USB पॉइंट लगा लेते हैं। भाई एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होता है, ये पोर्शन बना रहता है बॉक्स, उसके अंदर ये बॉक्स लगना चाहिए। अब क्योंकि थार का जो विंडस्क्रीन है वो उतनी बड़ी नहीं होती, उसमें देखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो हो सकता है कि ये आपको पूरा एरिया कवर ना करे, तो इसको पहले हम कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे प्लेसिंग सही रहेगी, कि इसको सेंटर में रखें या यहाँ साइड में रखें, उसके बाद ही इसको पेस्ट करेंगे। तो जो लोग पहले पेस्ट कर देते हैं उनको बता दूँ, भैया जब आप डैश कैम इंस्टॉल करो ना तो पहले इसका कनेक्शन करके इसको ऑन कर लो और एक लोकेशन ले लो कि कहाँ पे आपको व्यू अच्छा मिल रहा है, उसके बाद ही इसको पेस्ट करना, क्योंकि ये एक ही मिलता है। कार्ड लगा के और मोबाइल ऐप 70 माई का होता है, वो आपको इंस्टॉल करना रहता है। ये निशान रहेगा, ये जब आ जाएगा आप करोगे तो ये देखिए ये कैमरा हमें शो करने लगा, ये ब्लू शो कर रहा है क्योंकि इस पर पन्नी लगी हुई है। रुको मैं इसके, ये आप देखो ये कैमरा आपको दिख रहा है। कैमरे में भी बोलेगा कि आप फॉर्मेट SD कार्ड को करें, तो ये ऐप जब आप ओपन कर लोगे यहाँ से आपको मिल जाएगा फॉर्मेट SD कार्ड। ये आप फॉर्मेट करें, ये फॉर्मेट हो रहा है और इस तरह से ये ब्लिंक कर रहा है। जब ये फॉर्मेट हो जाएगा और ये फॉर्मेट हो गया और ग्रीन मतलब रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। अब ये आप डिवाइस को बैक करोगे और ये आपको लुक मिलेगा ये कैमरे का, इस तरह से आप देख सकते हो। अब मैं इसको प्लेस करूँगा, जो चीज़ अच्छी रहती है कि इसको जब आप पेस्ट भी कर दोगे ना तो ऊपर नीचे रोटेट करके अपना कैमरा एंगल सेट कर सकते हो आप, कि कितना बोनट आपको कवर करना है। तो ये जगह सही लग रही है शीशे के उधर, ताकि जो इसका स्क्रीन जो इसका ओपन एरिया है वो बहुत विजिबल उतना नहीं है, छोटा होता है, तो दूसरी तरफ लगाएंगे तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ये पोर्शन ये बाहर हो गया, अब इसको आपको पेस्ट करना है और इसमें जो बॉक्स बना हुआ है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो इसको अब हम यहाँ पे लगा देते हैं। कर निकालोगे आप एक बार, फिर से मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ, क्योंकि यहीं से वायर भी आपका अंदर ही अंदर निकल जाए। पेस्ट कर दिया, अब ये कैमरा आपका यहाँ पे प्लेस हो गया और ये इसकी विजिबिलिटी है। अब आप उस हिसाब से इसको रोल डाउन थोड़ा सा करेंगे तो आपका कार का बोनट से लेके जो पूरा एरिया है वो अब कवर होने लगा है। अच्छा, वायर आपको इतना पर्याप्त मिलता है ना कि आप इस तरह से बॉडी के अंदर से करके इसको वापस ले आ सकते हैं और इजीली आप इसको इस तरह से अंदर की तरफ इंसर्ट कर सकते हैं। ये वायर पूरा बड़े आराम से इजीली हो जाता है, तो किसी शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ऑनलाइन कोई अच्छी डील मिल रही है। जैसे 4200 का मुझे 70 माई का ये कैमरा मिला था, बहुत सारे और भी कैमरेज हैं जो आप लगवा सकते हो। क्यूबा करके आता है, DDPAI का आता है, बट DDPAI का मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं था, तो मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूँगा। 70 माई अच्छा है, ऐसे दिखा दो। तो भाई कैमरा अपना इंस्टॉल हो गया है और जो स्क्रीन पे डिस्प्ले आ रहा है वो ये है। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो इस पर फ़ोटो मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ऐसे टेक फ़ोटो करेंगे, इस तरह से आवाज़ आएगी। ये एल्बम में आप जाओगे,
ये इस तरह से आप ओपन करोगे और ये आप देखो, ये फोटो की क्लैरिटी है बिना लाइट के। इस तरह से आपको ये पूरा एरिया कवर करेगा। दिन में काफ़ी अच्छी रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो भाई उदय भाई से तो आप लोग पहले भी मिल चुके हो इंडिया टूर के दौरान भी, और बड़े भाई हैं हमारे, और दूसरा अब इनकी थार है। तो थार अब भैया दिल्ली पहुंचेगी अब। हाँ, दिल्ली पहुंचेगी अब भाई। थोड़ा थार है तो भाई मॉडिफाई तो बनता है। हाँ, बिल्कुल। ओवरऑल अपने तरफ से तो काफी कुछ इन्होंने करवा रखा है, छोटी मोटी चीजें। भाई डैश कैम तो वैसे बहुत जरूरी होता है कि आपको रोड पे कोई एक्सीडेंट हो, लेकिन उदय भाई ने क्यों इसको इंस्टॉल करवाया मालूम? क्यों भैया क्यों इंस्टॉल करवाया? मैंने इसलिए इसको इंस्टॉल करवाया क्योंकि ड्राइवर है चार चार, वो कहीं भी ले जाते हैं ठोक पीट के चले जाते हैं। भैया वो तो सामने वाला आके मार गया, तो कम से कम इससे पता तो चलेगा कहाँ से कौन आके मार गया। और क्योंकि ऑडियो भी रिकॉर्ड होता है, और सेफ्टी पर्पस से भी अच्छा है। डैश कैम लगवाना बहुत आवश्यक है, सबको लगवाना चाहिए यार, सबको लगवाना चाहिए। सबसे पहले सबसे चहीता ड्राइवर जो है ना वो आ गया है। कैमरा इंस्टॉल हो गया है, अब पता चल जाएगा कौन ठोका है। सबसे तेज यही चलाता है। अरे बोलोगे कुछ भाई? सदमे में आ गया है लग रहा है, कैमरा इंस्टॉल बैठे क्या बोले। सामने वाले को भी सेफ्टी है, कहीं आपके ऊपर कोई क्लेम बनाता है तो कम से कम हम प्रूफ रहेगा, वीडियो जाके दिखा सकते हैं, क्योंकि विद टाइम डेट सब कुछ आता है इसमें, है उसमें। तो आपके पास एक वीडियो प्रूफ रहेगा जो जाके दिखा देंगे जहाँ भी होगा, आप दिखा सकते हो। बाकी मैं कहूँगा भैया अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी जी, जिस तरह से रोड और सेफ्टी पे, कार सेफ्टी पे भारत NCAP भी आ गया, और इस तरह से जैसे उन्होंने कई चीज़ मैंडेट की है, जैसे सीट बेल्ट रिमाइंडर हो गया, उसके बाद रिवर्स पार्किंग सेंसर, वैसे डैश कैम भी उनको एक मैंडेट कर देना चाहिए ताकि कार कंपनियां ही ये प्रोवाइड करने लगे। yes. तो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी सबके लिए यार। हर ब्रांड एक आप खरीदते हो 4,000-5,000 का, ये कार कंपनियां ही प्रोवाइड कर दें तो बढ़िया है, और वो कंपनी फिटेड रहेगा, वायरिंग प्रॉपर अंदर रहेगी। हालांकि इसको भी आपको इंस्टॉल करने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी फिटेड रहेगा तो और अच्छा रहेगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड टू ऑटो ट्यूब इंडिया।